हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी ट्वेंटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सो so आज के इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे ठीक है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक्स जो है हम जान लेते हैं इसके बारे में जी का उद्घाटन जो है कब हुआ है नाइनटीन एंड नाइन्टी नाइन में और ये क्या है ये ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज़ है जिसमें नाइनटीन कंट्रीज़ होंगी प्लस एक क्या है इसमें यूरोपियन यूनियन है एवरी ईयर जी ट्वेंटी की जो प्रेसिडेंसी है वो चेंज होती है और इस बार ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ये इंडिया के पास है सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी ये लिखा है जी ट्वेंटी वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन इन द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट नाइनटीन नाइनटीज दैट हिट्स ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर ठीक है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या एम है इसका एम है टू सिक्योर द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व इन्वॉल्विंग द मिडिल इनकम कंट्रीज तो ये इसका यहाँ पे एम आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, G20, G20 includes, है? जी ट्वेंटी टूगेदर द जी ट्वेंटी कंट्रीज इंक्लूड्स ठीक है ये जो संगठन है इसमें क्या होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक मुद्दों से रिलेटेड बे, विचार विमर्श जो है वो किया जाता है इसमें इंक्लूड है सिक्सटी परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एटी परसेंट ऑफ ग्लोबल जी डीपी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ठीक है याद रखना है आप लोगों को ये ये में आगे पूछा जाएगा आप लोगों से नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट समिट जो है जी ट्वेंटी का ये कब हुआ है और कहा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए ये हुआ है यूएसए में और टू थाउजेंड एंड एट में हुआ है ठीक है फर्स्ट समिट ऑफ जी ट्वेंटी याद रखना है टू थाउजेंड एंड एट में हुआ है और कहा हुआ है यूएसए में वाशिंगटन में हुआ है ठीक है अब बारी आती है कि कौन कौन है मेंबर जी ट्वेंटी के जैसे मैंने आपसे पहले कहा नाइनटीन कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है अलोंग विद द यूरोपियन यूनियन द ग्रुप ऑफ ट्वेंटी जी ट्वेंटी इज मेड अप ठीक है यूरोपियन यूनियन के साथ ये ट्वेंटी का ग्रुप है जी ट्वेंटी ठीक है तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री मेंबर है और कौन सी मेंबर नहीं है जी ट्वेंटी की तो यहाँ आप देख सकते हैं अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी ग्रीस इटली जापान कोरिया मेक्सिको, रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका तुर्की यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ये सब जो है यहाँ पे इसकी क्या है मेंबर्स हैं जी ट्वेंटी की नाइनटीन कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन ठीक है बात करें अगर 2023 की जैसा मैंने आपसे कहा एवरी ईयर इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो चेंज होती है 2023 में ये किसके पास है इंडिया के पास है और इंडिया जो है इसमें करने वाली है 200 मीटिंग्स टोटल जिसमें मैंने आपसे कहा जो इसका मेन समिट है वो नाइन टू टेंथ सेप्टेम्बर होगा कहाँ पर होगा न्यू दिल्ली में होगा ये आपको याद रखना है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में ईयर टू है हेल्ड ऑन द कंट्री कौन सी है इंडिया है कौन सी सिटी में होगा दिल्ली में होगा प्लेस कहाँ पर है प्रगति मैदान है कंडक्टेड है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है नेक्स्ट आ जाता है 2023 का जी G20 का जो थीम है वो क्या है दैट इज वासुदेवा कुटुंबकम जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ठीक है आप लोगों को इस तरह से भी पूछा जा सकता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या फिर ओनली ये वासुदेवा कुटमकम करके भी पूछा जा सकता है ठीक है आपको दोनों याद रखने हैं ड्रन फ्रॉम द संस्कृत फ्रेज ऑफ द महा उपनिषाद इज वन फैमिली ठीक है है जिसका मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली याद रखना है थीम आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम बात करें मीटिंग्स की कुछ एक मीटिंग्स जो है यहाँ पे मैंने ऐड की है तो आप लोगों को मीटिंग्स का पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में ये मीटिंग हुई है फर्स्ट अगर हम देखें थिंक ट्वेंटी मीटिंग जो है ये हुई है भोपाल एमपी में नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये कहाँ हुई है बेंगलुरु कर्नाटका में फर्स्ट जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये भी कर्नाटका में है फर्स्ट मीटिंग ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस जो है ये कहाँ हुई है गुवाहाटी असम में हुई है नेक्स्ट है फर्स्ट जी ट्वेंटी हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये कहाँ हुई है त्रिवेंद्रपुरम केरला में हुई है वुमेन ट्वेंटी इंसेप्शन मीटिंग जो है ये कहाँ हुई है छत्रपति सांबाजी नगर यानी कि औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट जी ट्वेंटी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये है चेन्नई तमिलनाडु में जी ट्वेंटी कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जी हुई है खजुराहो एमपी में नेक्स्ट है फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो लखनऊ में हुई है जी ट्वेंटी एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग जो है वो आगरा में जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में ठीक है तो याद रखनी है ये कुछ एक मीटिंग्स हैं इसके अलावा आई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु है ये भी क्या है वन ऑफ द ग्रुप ऑफ जी है ठीक है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडल जी ट्वेंटी सम्मिट की इंडियाज फर्स्ट एवर मॉडल जी ट्वेंटी सम्मिट कहाँ हुआ है थाने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप और इसको इनोग्रेट किसने किया है शेरपा जी ट्वेंटी शेरपा जो कि हैं अमिताभ कांत इनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है शेरपा कौन होता है एजेंडा ऑफ द फ्यूचर मीटिंग्स ठीक है आने वाली मीटिंग्स के लिए जो भी एजेंडा सेट करे उसे बोलते हैं शेरपा नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो पेटीएम ने लॉन्च किया है जी ट्वेंटी थीम क्यू आर कोड सेलिब्रेट करते हुए इंडिया की प्रेजिडेंसी को ठीक है इन्होंने ये कोड जो है वो लॉन्च किया है क्यू आर कोड तो ये कुछ एक बेसिक बातें थी जो आप लोगों को जी ट्वेंटी से रिलेटेड पता होने चाहिए थे तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन है वेन वॉज जी ट्वेंटी एस्टेब्लिश तो अभी हमने देखा नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जी ट्वेंटी तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो जी ट्वेंटी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर वन है नाउ द जी ट्वेंटी सम्मिट आर अटेंडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज ओनली हाँ बिल्कुल सही है तो ये करेक्ट है ऑप्शन बी है इंडिया नेवर होस्टेड एनी जी ट्वेंटी सम्मिट इट्स मेन एम टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड क्या इसका एम ये है कि एलिमिनेट करना पॉवर्टी को वर्ल्ड से तो ये नहीं है सो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तो so, यहाँ आप देख सकते हैं इसका मेन एम क्या है दिस द मेन एम ऑफ दिस ग्रुप इज टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ठीक है इसका एम है कि प्रोमोट करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड में ठीक है सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट जी ट्वेंटी सम्मिट गोइंग टू बी हेल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस में कौन सी सिटी है जो जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है जी ट्वेंटी सम्मिट तो बताना है ऑप्शंस आप लोगों के सामने है करेक्ट आंसर क्या है इंडिया ऑप्शन डी ठीक है आप देख सकते हो इंडिया सेट टेक ओवर जो प्रेजिडेंसी है वो किसके पास है इंडिया के पास क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज द थीम ऑफ जी ट्वेंटी इन है, है the in क्या थीम है इसका जी ट्वेंटी सम्मिट का बताना है शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड फाइटिंग पॉवर्टी विद रिजिडिटी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है वन 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 अर्थ फैमिली फ्यूचर ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द जी ट्वेंटी कौन सी कंट्री है जो कि जी ट्वेंटी की मेंबर नहीं है इंडोनेशिया सिंगापुर मैक्सिको तुर्की तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सिंगापुर जो है वो नहीं है जी ट्वेंटी की मेंबर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिकॉर्डिंग द जी ट्वेंटी अब बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग जी ट्वेंटी ऑप्शन आप लोग रीड आउट कर सकते हो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जी ट्वेंटी इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड फोर्टी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है रिगार्डिंग जी ट्वेंटी सो ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ आप देख सकते हो द जी ट्वेंटी इकोनॉमी अकाउंट फॉर अराउंड वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नाम की फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इट इज वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ जी ट्वेंटी हेल्थ तो कहाँ हुआ था जी ट्वेंटी का फर्स्ट समिट जो है यूएसए ब्रिटेन कनाडा या फिर फ्रांस तो हमने बताया था ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ये हुआ था यूएसए में और कब हुआ था टू थाउजेंड एंड एट में ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है टू डेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ जी ट्वेंटी हैव बीन हेल्ड ठीक है तो बताना है अभी तक जी ट्वेंटी के कितने समिट्स हैं जो कि हुए हैं तो ये जो है इस बार का 2023 का जो समिट है ये है एटीनथ एडिशन है सो दैट मींस इससे पहले 17 हुए हैं तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हो सेवनटीन समिट इज बींग हेल्ड इन नूसा वाली यानी कि इंडोनेशिया में ये हुआ है इसका सेवनटीन और एटीन समिट जो है विल बी हैपन इन इंडिया और इसके बाद का जो नाइनटीन समिट है जो 2024 में होगा वो होगा ब्राजील में ठीक है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जी ट्वेंटी बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है जी ट्वेंटी के रिगार्डिंग तो ऑप्शन वन है द प्रेजिडेंसी ऑफ जी ट्वेंटी इज सपोर्टेड बाय आ ट्रोइका मेड अप ऑफ करंट इमीडिएट पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट कंट्रीज तो यही जो है इसकी इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट ये सही नहीं है ठीक है ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल इंडिया होल्ड द जी ट्वेंटी सबमिट तो क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इंडिया के पास है इसकी प्रेजिडेंसी सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है फ्रॉम वेयर इज द लोगो ऑफ जी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सम्मिट इंस्पायर्ड हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया कि इसका जो लोगो है जी ट्वेंटी समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ये कहाँ से इंस्पायर है तो ये इंस्पायर है इंडिया के नेशनल फ्लैग से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है इंडिया नेशनल फ्लैग इंडिया के नेशनल फ्लैग में क्या है फोर कलर्स हैं का जो ब्लू कलर है उसको भी भी इंक्लूड करके फोर फोर कलर्स कलर्स हैं 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 तो इसके लोगो में भी आप देख सकते हैं, वही फोर कलर्स जो है, वो थीम ऑफ जी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जी ट्वेंटी का, the का, का क्या थीम है ब्लैक लाइफ मैटर लिव लव लव या फिर वासुदेवा नन ऑफ दिस तो वासुदेवा कुटमकम क्वेश्चन नंबर थर्टी है व्हाट इज एजेंडा ऑफ इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो बताना है क्या एजेंडा है इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन है इंक्लूसिव एम्बिशियस एक्शन ओरिएंटेड इंक्लूसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एम्बिशियस डेवलपमेंट ओरिएंटेड तो क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या एजेंडा है इंडियाज जी ट्वेंटी 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 थ्री का तो वो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है इंक्लूसिव एम्बिशियस एक्शन ओरिएंटेड ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द थिंक ट्वेंटी मीटिंग हेल्थ अंडर जी ट्वेंटी कौन सी स्टेट है जो कि होस्ट थी थिंक ट्वेंटी मीटिंग के लिए अंडर जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी ऑप्शन है गुजरात मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ तो बताना है थिंक ट्वेंटी मीटिंग जो है वो कहाँ हुई थी मध्य प्रदेश में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ जी ट्वेंटी वर्किंग ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग तो बताना है इस मीटिंग की कौन सी सिटी है जो कि होस्ट थी चेन्नई बेंगलुरु कोची या फिर वाराणसी तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है दैट इज बेंगलुरु ठीक है क्वेश्चन नंबर है सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग तो बताना है कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है फर्स्ट जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई या फिर अमृतसर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इसका भी बेंगलुरु क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है विच हैज लॉन्च जी ट्वेंटी थीम्ड क्यू आर कोड्स टू सेलिब्रेट इंडियाज जी ट्वेंटी चेयरमैनशिप ठीक है तो किसने लॉन्च किया है जी ट्वेंटी थीम्ड क्यू आर कोड जो कि सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया की जी ट्वेंटी चेयरमैनशिप ठीक है तो वो किया है पेटीएम ने ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन है फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी विघन एट विच प्लेस तो बताना है ये मीटिंग कहाँ हुई थी गुहाटी दैली चेन्नई या फिर शिमला तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ये हुई है गुवाहाटी में ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है फर्स्ट जी ट्वेंटी हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीट टू बी हेल्थ इन विच प्लेस तो बताना है हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो कहाँ हुई है दिल्ली गुजरात केरला या फिर कर्नाटका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है केरला में त्रिवेंद्रपुरम में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी भोपाल इंदौर ग्वालियर या फिर या फिर खाजुराओ तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है इसका खाजुराओ में ही हुई है दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर जिसमें हमने जी ट्वेंटी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं और उसके साथ ट्वेंटी क्वेश्चन भी इस पर डिस्कस किए हैं आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल लाइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे एंड से कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू हैवे